डेथ ऑफ अ गन फाइटर, ये एक मूवी आई थी 1969 में। एक्टर रिचर्ड विडमर्क एंड डायरेक्टर रॉबर्ट टॉटन के बीच कुछ खास बनती नहीं थी, तो ये लोग उस डायरेक्टर को निकालकर दूसरा डायरेक्टर ले आए, डॉन सीगल। जब फिल्म कंप्लीट हुई तो सीगल जी बोले, मुझे नहीं चाहिए इसका क्रेडिट, ये मेरा बेस्ट वर्क नहीं है, आधे से ज्यादा काम तो रॉबर्ट ने किया है। रॉबर्ट को ये लोग क्रेडिट देना नहीं चाहते थे, तो बीच में आया डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका एंड इन्होंने सजेस्ट किया कि आप लोग डायरेक्टर के नाम पर लिख दो एलन स्मिथी। इट्स अ सूडोनिम जिसको इन्होंने 1969 में ही पैदा किया, और अगले 30 सालों तक जब जब किसी फिल्म डायरेक्टर ने बहुत ही बेकार शर्मनाक मूवी बनाई है तो वो डायरेक्टर उस प्रोजेक्ट को डिसओन करके डायरेक्टर के नाम पर दे देता था एलन स्मिथी, ताकि दुनिया को कभी ना पता चल पाए कि इतना घटिया काम करने वाला इंसान ये है। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि आदि पुरुष के पोस्टर पे डायरेक्टर के नाम पर लिखा है एलन स्मिथी। ओ शिट, नहीं लिखा है, काफी करेजियस है। जोक्स अपार्ट, 1999 में एक मूवी बनी बर्न हॉलीवुड बर्न, ये मूवी एलन स्मिथी पर ही थी। इसमें भी जो राइटर है जो एस्टरहॉस एंड डायरेक्टर आर्थर हिलर, इन दोनों में काफी डिस्प्यूट हुए, जिसकी वजह से आर्थर को लगा उन्होंने अपना बेस्ट काम नहीं किया है, इसलिए उन्होंने अपना नाम हटा करके डायरेक्टर के नाम में लिख दिया एलन स्मिथी। तो अब डायरेक्टर्स ये नाम यूज नहीं करते क्योंकि सबको पता है कि ये असली नाम नहीं है।